गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज ऑलरेडी हो चुका है। तो कल हम देखे हैं कि डॉलर इंडेक्स में ये हाई मारा था आपका 114.53 तक, अभी जो है 113.80 के आसपास है। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ ट्रेंड रिवर्सल का तो कुछ मीन्स दिख नहीं रहा है, रेदर यहाँ पे मीन्स सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट्स मीन्स इज ए वेलकम थिंग। यहाँ पे रिवर्सल का कोई सवाल अभी एज ऑफ नाउ नियर बाई तो कुछ रिवर्सल का कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। रिट्रेसमेंट्स में मीन्स बाई डिप टाइप ऑफ थिंग्स, हालांकि इट्स नॉट एन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो बाई डिप्स का नहीं, इसको बाई डिप्स में अकॉर्डिंगली जो अदर करेंसी पेयर्स है उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो हमें अभी केयरफुली थोड़ा प्राइस को देखना है। डॉलर रुपी में जो आपका कल जो हाई मारा था, दैट इज 81.70 क्लोजिंग टाइम पे, जो अभी आपका दिखा रहा है 42 में, 81.42 में दिखा रहा है। कल एक्चुअली कल ओपनिंग जो था 25 के आसपास था, 81.25 के आसपास, उसके बाद मीन्स इंटरवेंशन टाइप ऑफ कुछ दिखा ही नहीं है इन द मार्केट एक्टिविटीज। तो इसके लिए वो क्लोजिंग जो था काफी हाई में दिया था क्लोजिंग, एंड अभी है 81.45 के आसपास। सो यहाँ पे हमें क्या है? देखना है, बेसिकली हमें देखना है द इंटेंशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, दैट इज हाउ दे आर मॉनिटरिंग द एक्सचेंज रेट, हाउ दे आर दे रियली कंसर्न अबाउट द एक्सचेंज रेट, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजर्स दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन टू द सिस्टम। दे इफ दे वांट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज आई रिमेम्बर इन 2011, 12, 13 मीन्स जब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था, उस टाइम पे लोग फ्रस्ट्रेट होने के बाद बोल रहे थे कि अभी तो मीन्स सेंट्रल बैंक को कुछ करने का है ही नहीं, दे कैन डू एनीथिंग। बट उन्होंने जब डंडा करना चालू किया, डंडा ऐसा डंडा कि पूरा का पूरा सबका फाड़ दिया। तो डेट इज वाई मीन्स इफ दे वांट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओनली थिंग इज दैट उनको उनका इंटेंशंस, इसीलिए आई एम टेलिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस, मीन्स व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग, एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनके दिमाग में। हालांकि वो लोग तो आके कुछ बोलेंगे नहीं कि मैं ये करने वाला हूँ अगले दिन, कल करने वाला हूँ या अगले हफ्ते करने वाला हूँ, दे विल सरप्राइज द मार्केट्स। तो अभी प्रीवियस जो इंसिडेंट्स में कुछ था, जैसे कि आपका ये एनआरआई बॉन्ड्स हो गया, इस टाइप का मीन्स टू ब्रिंग इन द एनआरआई फंड इन टू द सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि उसका काफी कॉस्ट भी है, मीन्स काफी हाई कॉस्टिंग है, नॉट ओनली द इंटरेस्ट रेट पर्पज बट ऑल्सो एक्सचेंज रेट पर्पज ऑल्सो, इट्स ह्यूज कॉस्ट। एनी वे मीन्स दे आर द मीन्स वेल इक्विप्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट एनफ टू मैनेज द करेंसी एक्सचेंज रेट्स। सो हमें सिर्फ उनका रास्ता ही फॉलो करना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो दैट मीन द केस अभी हमें सिर्फ इंतजार करना है कि प्राइस एक्शंस को मीन्स हाउ उनका एक्शंस क्या हो रहा है, एज और अदरवाइज अगर उनका एक्शंस एक्टिविटीज ज्यादा कुछ नहीं है तो हम लोग लॉन्ग टर्म में खेल सकते हैं, लॉन्ग साइड से बाई डीप टाइप ऑफ थिंग्स, बट वेरी केयरफुल। कुछ अगर मेजर्स दे दिया तो 1 रुपया 2 रुपया कभी भी मीन्स एप्रिशिएट कर सकता है रुपी। सो बी टेक केयर प्रॉपरली। एंड जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा सा एक पिन बार फॉर्मेशन आया है, रेदर इट्स ए स्पिनिंग टॉप टू फॉर्मेशन। जो हमारा सपोर्ट लेवल था 1982 का, दैट इज 101.05 में, उसके नीचे ये जो लो ट्रेड किया था आपका 1.0356, लेकिन वहां पे सस्टेन कर नहीं पाया एंड फिर ऊपर चला आया। ये जो कैंडल है ना, ये रिवर्सल कैंडल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो व्हाट एवर मे बी द मेजर्स दैट बैंक ऑफ इनलैंड इज टेकिंग और दे आर प्लानिंग टू टेक, इसका प्राइस सेक्शंस में ही समझ में आ रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वेरी कॉशियस। वेरी कॉशियस बोले तो मीन्स सडनली कुछ मेजर्स लेके आ जाएंगे तो फिर ऊपर भाग जाएगा एंड द शॉर्ट सेलर्स विल गेट पेनलाइज्ड, एंड यही हमें इस कैंडल पे दिखा है, यही हमें इस इसमें दिखा है। तो
हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन ये रिवर्सल्स हो गया है। अभी अगर नीचे के तरफ यानी 104-105 के आसपास अगर कभी भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो थोड़ा सा 100 पिप्स का या 200 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा खासा पोजीशन लॉन्ग साइड में हम खेल सकते हैं। जीबीपी आईएनएल में हम देखते हैं कि जीबीपी आईएनएल में भी बिकॉज ऑफ दैट वन एक प्राइस रिजेक्शन हुआ। यहाँ पे जो सपोर्ट था 86 के आसपास उसके नीचे ब्रीच किया, लो मारा आपका 85.12 एंड फिर ऊपर जाके क्लोज दिया आपका 87.13 पे। अभी है 87.68 पे। यहाँ पर भी सिमिलरली ये लोअर लेवल पे हमें अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है तो एक देख सकते हैं। यूरो डॉलर में इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ जैसे कि जीबीपी डॉलर में हुआ था। और कल का जो रेंज था वो था आपका 0.9709 ऑन द हायर साइड एंड 0.9552 ऑन द लोअर साइड। दैट मीन द केस यहां पे जो सपोर्ट था 0.9625 के आसपास वहां पे थोड़ा सा होवरिंग अराउंड कर रहा है। हमें इसको देखना है कि यहां पे प्राइस सेक्शंस क्या कर रहा है एंड आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट मींस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द ईसीबी वहां पर भी हमें देखना है केयरफुली। यूरो आईएनआर में भी एक स्पिनिंग टॉप परफेक्ट स्पिनिंग टॉप आया है यानी इसके हाई के ऊपर लॉन्ग सोच सकते हैं, लो के नीचे कंटिन्यूशन ऑफ द सेलिंग हम देख सकते हैं। डॉलर येन में ये जो 22 तारीख का जो कैंडल था वहां का कैंडल का मींस वहां पे बीओजे ने अच्छा खासा इंटरवेंशन किया है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरवेंशन था वहां पे। बट उसके बाद भी फिर वापस ये 144.50 पे आ चुका है। सो दैट मीन द केस यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो ये जो होगा बेसिकली आपका ये आपका हो गया 23 तारीख 23 सितंबर का जो लो है उसके नीचे अगर एक दो घंटा सस्टेन कर गया तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम देख सकते हैं। लेकिन वो सेल ऑफ में भी जो इमीडिएट सपोर्ट होगा ये सपोर्ट जोन होगा 138.75 से 139.75 यानी एक बीगी का एक सपोर्ट जोन होगा। वहां पे भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या फिर दोबारा कंटिन्यू डाउनवर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें अभी प्राइस सेक्शंस के लिए इंतजार करना पड़ेगा, इसके लो के नीचे हम सेलिंग के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर में बाइंग साइड्स में थोड़ा सा खतरा है, बीओजे बहुत ही खतरनाक है, मींस जब इंटरवेंशन करते हैं कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। देन जेपीवाई आईएनआर में वही तो आपका 22 का जो बुलिश कैंडल था उसके बाद अभी प्राइस हेजिटेट हो रहा है। दैट मींस दैट केस आपका 57.5710 के ऊपर हम लॉन्ग के लिए अगर आवरली बेसिस में सस्टेन कर जाता है तो हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। एंड टिल दैट टाइम थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटर करना है। जे डॉलर कैंडी में आपका बहुत ही कल एक बहुत ही बड़ा मारा, ये आपका कैंडल जो बहुत ही बड़ा हाई मारा था आपका 1.380 तक, अभी है 1.3706 में। तो यहाँ पे वही काफी बुलिशनेस है डॉलर इंडेक्स के साथ साथ, तो एनी डिप में भी बॉट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑसी डॉलर में कल भी एक खतरनाक सेल ऑफ था एंड ये जो सपोर्ट जोन है आपका 0.64 से 0.6460 के आसपास एक पुराना सपोर्ट जोन है। यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइस कंसोलिडेट करके सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। डॉलर सीएनएच में आपका जो रेजिस्टेंस जोन था 1.7.15 को उसको तोड़ चुका है, अभी ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, तो लग रहा है कि और थोड़ा ऊपर इसका जा सकता है। ब्रेंट क्रूड यूके ऑयल में अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया जो है अभी 84.31, तो जो 70-71 का जो टारगेट है ब्रेंट में इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म्स, तो वो लग रहा है कि ये उधर उधर ही जा रहा है एंड अच्छा है फॉर इकोनॉमीज लाइक इंडिया जहाँ पे ऑयल इम्पोर्टिंग के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कंट्री। यूएस 10-year ट्रेजरी में कल एक अच्छा खासा अपमूव मारा है एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 3.93 एंड अभी है 3.88। दैट बीइंग द केस जो इमीडिएट आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 4% में है, जो पुराना रेजिस्टेंस बहुत पुराना, तो यहाँ पे एनी डिप में भी बॉट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।